बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी चिकन कोरमा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और फिर जी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और जल्दी जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, उसमें ऑल का जो बटन होता है उसको प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले आए आप इसकी तैयारी की तरफ, मराहल की तरफ चलते हैं कि इसको मैंने कैसे तैयार किया। चिकन कोरमा के लिए मैंने निबलेट्स लिए हैं, 1 किलो के करीब हैं। अगर आप निबलेट्स लेने का मकसद ये था कि इसके अंदर बोन होती है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसकी जगह होल चिकन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, तो रेसिपी को फॉलो करें, चिकन आप चेंज कर सकती हैं। उसके साथ मैंने 1/2 कप दही लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 2 टीस्पून नमक है। नमक और मिर्च को आप हमेशा कम या ज़्यादा अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं। 4 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट है और उसके साथ 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल करूंगी। ये मीडियम साइज़ का प्याज है, इसमें से 1/2 प्याज मैं इसके अंदर मैरिनेशन में इस्तेमाल करूंगी और 1/2 को हम मसाले में डालेंगे। तो सबसे पहले हम इन निबलेट्स को, या अगर आपने होल चिकन लिया है तो उनको हम मैरिनेट करते हैं। अब मैं ये प्याले में दही डाल दूंगी और उसके साथ ये जो मसाले मैंने, गरम मसाला, नमक, मिर्च और हल्दी, अदरक और लहसुन की पेस्ट और साथ ये लेमन जूस, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। सारे मसालों को मैंने दही के साथ मिक्स कर दिया है। ये 1/2 प्याज हैं जिन्हें मैंने, 1/2 ये जो मैंने आपको बताया था इसमें से 1/2 मैंने निकाल लिया है। ये फ्राइड अनियन है। अब इन अनियन को, जितने भी मेरे पास मैंने 1/2 लिया है, इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से आप इसको मसल लें। ये तली हुई जो प्याज है उसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। इसके साथ ही ये जो चिकन है, जो निबलेट्स हैं, वो सारे इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी और हाथों से अच्छी तरह इसको, इसकी कोटिंग कर दें। अब इसको देखिए, मैंने अच्छी तरह इसके सारी कोटिंग कर दी है चिकन के ऊपर और इसको मैंने कवर कर दिया। अब इसको 1 घंटे के लिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा बेस्ट मैरिनेशन जो होती है वो 2-2.5 घंटे होती है, तो इसको मैं 1-1.5 घंटा रखती हूँ, उसके बाद हम इसको कुक करते हैं। 1.5 घंटा हो गया, चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब इसके पकाने की प्रोसेस की तरफ आते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो मसाले लिए हैं, 2 टीस्पून जीरा पाउडर है, 2 टीस्पून ये ड्राई जो होता है सूखा धनिया है, लेकिन अगर आपके पास साबुत फॉर्म में है तो इनको साबुत फॉर्म में ले लें। मेरे पास ये पिसे हुए थे तो मैंने पिसे हुए का यूज़ कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून काली मिर्च है और उसके साथ 1 मोटी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, थोड़ा सा जायफल है, 3-4 छोटे छोटे पीस हैं दालचीनी के हैं, 3-4 लौंग हैं और 4 से 5 इलायची के दाने हैं। इन सारे मसालों को मैं डाल के ग्राइंडर में एक दफ़ा इनको पाउडर बना लेती हूँ। ये सारे ड्राई मसालों को मैंने पाउडर की शक्ल में बना लिया है, बहुत बारीक सा। इसमें से मैं 2 टीस्पून डालूंगी, बाकी को हम किसी भी 8 आचार में प्रिजर्व करके रख लेंगे। जैसे ही नेक्स्ट टाइम हम इस तरह का कोई सालन बनाएंगे या उसको कोरमा बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये अब ये जो मैंने प्याज इसमें आपको बताया था, 1/2 प्याज जो मैंने रखे थे वो मैं ग्राइंडर में डाल दूंगी और उसके साथ 3 टेबलस्पून दही डाल दूंगी और इनकी दोनों चीज़ों की मैं अच्छी सी गाढ़ी सी पेस्ट बना लूंगी। पाउडर भी रेडी है और ये देखें, ये इसकी दही और प्याज की पेस्ट भी रेडी है। तो चलिए अब हम इसकी कुकिंग के प्रोसेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसको हल्का सा फ्राई करते हैं ऑयल में। ये मैंने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। अब ये सारा चिकन जो है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। चिकन को ये देखें, इसी तरह पानी नहीं डालना, तो इसी तरह मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखें, अच्छी तरह हमने इसको भूनना है और आंच जो है वो मीडियम रखी हुई है। तो इसके साथ ही मैं ये जो मसाला आपके सामने मैंने ग्राइंड किया था, ये 2 टीस्पून मैं मसाला इसके अंदर डाल दूंगी और बाकी जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको प्रिजर्व कर लें, नेक्स्ट टाइम आपने जब भी कोरमा बनाना हो तो उसमें यूज़ कीजिएगा। भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं मीडियम आंच पे। 1 ग्लास इसके अंदर मैं अब पानी ऐड कर दूंगी और इसको ढक के रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल जाए, चिकन गल जाए। चिकन
चिकन अच्छी तरह से गल गया है, तो अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने प्यूरी बना के रखी थी प्याज और दही की, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें, ये अब जितने भी हमने प्याज डाले थे कितना अच्छा दही का और प्याज का कलर भी आ गया। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1/3 कप क्रीम डाल दूंगी और अब ये स्टेज आ गया, अब हमने इसको साथ साथ भूनना है एहतियात के साथ कि ये जले भी ना और अच्छा सा भून जाए। और आंच जो है वो मैंने मीडियम टू लो की हुई थी, अब मैं थोड़ी सी हाई कर देती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ऑयल इसीलिए कम डाला था कि मैंने इसके अंदर घी डालना था। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑयल को थोड़ा सा बढ़ा दें। और इस तरह मैं इसके साथ ये कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी जो इसके कलर को खूबसूरत भी करेगी। और ये आपने थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे डालना है, तो मेरी स्किप हो गई थी तो मैंने अभी डाल दी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि घी भी मिक्स हो जाए और मिर्चों का कलर भी आ जाए। ये देखिए अब कितना ज़बरदस्त था इसका कलर आ गया। अब मैं इसको भून रही हूँ, तो मैं मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट और भूनूंगी और फिर से बताती चलूँ कि कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो मेरे से मैं भूल गई थी। तो जब आप प्याज और दही की ग्रेवी डालेंगे या जो वो प्योरे बना के डाली थी आपने, उसी वक्त जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, उससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। नहायत ही लजीज चिकन कौरमा बिल्कुल रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।